जय हिंद, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज मैं रेडी हूँ अपनी नई राइड के लिए। आज की जो मेरी राइड होने वाली है वो अराउंड 40 किलोमीटर होने वाली है। राजकोट के पास एक लोकेशन है। एक्चुअली उस रूट पर मैं अभी तक गया नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि वो वहाँ पर व्यू अच्छा आता है, चारों तरफ पहाड़ वगैरह हैं। तो चलते हैं राइड पर, मिलते हैं। फ्रेंड्स, सुबह सुबह एक पंगा हो गया जहाँ पर से मुझे जाना था। एक्चुअली वो रोड ही बंद था, गली में से होके निकलना पड़ता है, लेकिन वो गली भी बंद थी आज, तो पूरा घूम के आना पड़ रहा है मुझे। ये पूरा पीछे का रास्ता है जहाँ से मुझे निकलना है, मेन रोड पकड़ना है। मुझे लग रहा है आज उजाला यहीं पर हो जाएगा। अभी एक्चुअली मैं घर से 2 किलोमीटर ही निकला हूँ बाहर, लेकिन अभी तक मेन रोड पकड़ा नहीं है मैंने। चलिए देखते हैं। ये रोड काफ़ी अच्छा है, कालावर रोड है। और सब जगह एक्चुअली क्या वर्क चालू है और रोड भी काफ़ी ख़राब है, तो थोड़ा सा रोड ख़राब आता है, उसके बाद अच्छा रोड है। यहाँ पर राइडिंग करने का मज़ा आता है। नारियल के पेड़, छोटा गांव है वागुदड़, वहाँ जा रहे हैं हम। पहले फर्स्ट लोकेशन है हमारा, उसके बाद उससे आगे एक गांव है बालसर करके, वहाँ तक हम जाएंगे। देखते हैं कैसा व्यू आता है। कोई अच्छा व्यू आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मोर दिखाता हूँ आपको मैं, मोर जा रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो। ये देखिए जगह के चारों तरफ कैसी बॉर्डर लगा रखी है, कपड़े की पूरी फेंसिंग कर रखी है। तार तो लग ही रहे हैं फेंसिंग के, लेकिन साथ में कपड़े भी लगा रखे हैं। बहुत बड़ी बॉर्डर बना रखी है, कौन सी जगह एक्चुअली मालूम नहीं, किसी की प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, लग तो गवर्नमेंट रही है। प्लांटेशन हो रहा है पूरा अंदर, हो सकता है शायद आयुर्वेदिक प्लांट हो या कुछ, आइडिया नहीं आ रहा है।
नज़ारा है चारों तरफ का, सिंगल रोड है, कोई है नहीं, बस मैं चलाए जा रहा हूँ और चारों तरफ का ये व्यू है। शांत इलाका है पूरा, और जो मेरा पहला डेस्टिनेशन है वो आने वाला है, बस 1 किलोमीटर है, वहाँ पर थोड़ा रुकेंगे, पानी पिएंगे, अगर कोई लोकेशन हुआ तो देखेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। फ्रेंड्स, ये सूरज का पहला व्यू हमको दिखा है। चलिए, बादल बहुत हो रहे हैं तो सनराइज़ अच्छी तरह से मैं आपको दिखा नहीं पाया। देखिए, बादलों के पीछे छुपा हुआ है सूरज, और चारों तरफ का व्यू मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली ये हमारा फर्स्ट लोकेशन है जहाँ पर से मैं आपको बता रहा हूँ। ये गांव है वागुदड़ करके, और ये छोटे छोटी पहाड़ियाँ बनी हुई हैं। पंछियों की आवाज़ आ रही है सुबह सुबह। फ्रेंड्स, फर्स्ट लोकेशन से वापस मैं रिटर्न हो चुका हूँ। उसका कारण है कि आगे मैं नहीं गया। एक्चुअली क्या है, मेरे साथ जो आए थे भाई, उनकी साइकिल में पेडल का जो बोल्ड होता है वो निकल गया है, तो थोड़ा बहुत जुगाड़ करके उसको यहाँ तक वापस लेके आए हैं। तो मैं वापस रिटर्न हो चुका हूँ। सामने वो भाई दिख रहे हैं, वो हमारे साथ आए साइकिलिंग करते हुए। तो एक छोटा सा तालाब जैसा मुझे दिखा था, तो मैं यहाँ रुक गया। आपको भी दिखा देता हूँ। एक्चुअली ये क्या, पीछे की तरफ, सामने की तरफ वहाँ पर डैम है, एक नियारी डैम। एक्चुअली हम इससे पहले के वीडियो में जो मैंने आपको बताया था वो नियारी 2 डैम था, ये नियारी 1 डैम है फर्स्ट नंबर का। और ये देखिए मछलियाँ, आपको मछलियाँ दिख रही होंगी। मछली को खिलाने के लिए एक्चुअली कुछ है नहीं पास में, नहीं तो खिलाते इनको। ये भौमिक भाई है हमारे साथ आज, जो साइकिल से आए हैं राइड करते हुए। तो आज कोई ख़ास व्यू आपको मिल नहीं पाया, बस ये अपना लास्ट व्यू है, उसके बाद हम वापस रिटर्न होने वाले हैं घर की तरफ। फ्रेंड्स, मैं वापस अपने घर की तरफ आ गया हूँ, बस घर आने वाला है, और आज की राइड हम यहीं पूरी करते हैं। आज की राइड में एक्चुअली मुझे जो लोकेशन लेना था दूसरा वो नहीं ले पाया मैं, एक लोकेशन ही लिया मैंने आपको बताया था।
और लगभग 32 या 33 किलोमीटर जितना हुआ है आज की राइड हुई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट राइड पर। आज का वीडियो यहीं पूरा करता हूँ। जय हिंद, गुड बाय।